सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में 35 घोड़ मुलाजमीन को इंकशाफ हुआ है। MS की जानिब से बनाई जाने वाली कमेटी गैरफाल। कमेटी की गैर मौजूदगी में स्टेवर्ट शाह जैब ने मुलाजमीन की जानिब जांच शुरू कर दी है। घोष्ट मुलाजमीन मुक मुका करके साला साल गायब हैं, जिनमें दो डॉक्टर, चार नर्सेज और दो मिडवाइफ, OT स्टाफ और दीगर अमला भी शामिल है। मजीद तफसला जानते नुमाइंदा APN न्यूज़ आबदा खान से। जी आबदा, क्या कीजिएगा? जी ऐसा है कि सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में जो है 35 घोष्ट मुलाजमीन का जो है इंकशाफ हुआ है, जो घर बैठे साला साल सैलरी लेने में मसरूफ हैं। और मजे की बात यह है कि सुबह सवेरे उनकी जो हाजिरी है वो भी लगा दी जाती है। इस हवाले से कमेटी की जो है एक कमेटी भी तश्कील दी गई है MS की जानिब से। कमेटी की गैर मौजूदगी में जो है शाहजेब ने मुलाजमीन की जाँच पड़ताल जो है शुरू की है, जिसमें जो है मुलाजमीन मुख मुका करके साला साल से गायब हैं। और जरा से ये भी मालूम हुआ है कि ये जो घोष्ट मुलाजमीन है, इसमें दो डॉक्टर, चार नर्सेज, दो मिडवाइफ, OT स्टाफ और दीगर अमला भी शामिल है। और ये मुलाजमीन जो है इनकी हाजिरियां लगा दी जाती हैं। और मुबैना घोष्ट मुलाजमीन के हवाले से फिजिकल जांच पड़ताल की जो कमेटी बनाई गई है, इस हवाले से MS डॉक्टर हुसैन जथियाल से बात हुई है। उनका यही कहना है कि अगर ऐसी कोई शिकायत साबित हुई तो तनख्वाहें बंद कर देंगे। फिलहाल जो है ये बड़े मजे से घर बैठे हाजिरी से भी गायब है, अस्पताल से भी गायब है और सालों से जो है तनख्वाहें वसूल करने में मसरूफ है। सही, बहुत शुक्रिया आबदा खान, इस मुतल्लिक आप आगाह कर रही थी।